कैसा क्या है, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी मैं किधर जाने रहा हूँ स्पेसिफिकली, बस थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ में एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जैसा ही बना दूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही बना दूँ। एंड सबसे पहले चीज़, लेट्स टॉक अबाउट माई स्टूडेंट एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम से DM आए थे, एंड तब मैंने सोचा कि मैं लेटेस्ट अपडेट्स पे वीडियो बना ही दूँ। लेटेस्ट अपडेट्स पे या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी सितंबर इनटेक के लाएंगे उनके लिए एक वीडियो बना ही दूँ। तो सबसे पहले चीज़, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डूइंग मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फ्रॉम मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। एंड एक साल का कोर्स है मेरा बेसिकली, जो अभी एंड पे ही है देखा जाए तो, क्योंकि अभी मेरा फाइनल डिजर्टेशन बाकी है, उसको 5th अगस्त या 6th अगस्त को सबमिट करना है। सो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा मास्टर्स। सो आई एम डूइंग मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। सबसे पहले पॉइंट पे जो हम बात करेंगे इज़ हाउ टू चूज़ द राइट कोर्स फॉर यू एंड हाउ टू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली बहुत क्लीशे क्वेश्चन है, बट रियली एज वैल्यूड योर लाइफ इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये जितना क्लीशे क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इट्स अबाउट वेयर यू विजुअलाइज योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो चीज़ें, ऐसा कोर्स डिजाइन करो या ऐसा कोर्स डिसाइड करो या ऐसी फील्ड या ऐसी स्ट्रीम डिसाइड करो जहाँ पे आप अपने आप को देखते हो आने वाले 5 सालों में, आने वाले 2 सालों में। तो उसके अराउंड आप अपना कोर्स चूज कर सकते हो। सो मेरे को एक, आई वॉज टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड उसने मेरे को एक चीज सजेस्ट की थी जर्नलिंग की। तो ये तो थेरेपी का टाइप हो जाता है, बट देर वॉज अ साइकोलॉजिस्ट हु सजेस्टेड मी अबाउट हाउ टू फिगर आउट विच कोर्स इज राइट फॉर यू। जो मैं बहुत सारे जब मैं काउंसिल करता हूँ या जब मैं लोगों को बताता हूँ, तब मैं वो चीज़ उनको एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स लाइक टेक अ शीट ऑफ पेपर, राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू लव, राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू लाइक, एंड फिर उसमें से कोई 5 चीज़ एक फील्ड से कनेक्टेड रहेगी। सो दैट इज हाउ यू कैन चूज विच इज द राइट कोर्स फॉर यू। सेकेंड, द राइट यूनिवर्सिटी। अभी सब लोग रैंकिंग्स देखते होंगे, QS वर्ल्ड रैंकिंग्स हो या और भी रिसोर्सेज है गूगल पे, जिसके रेफरेंस से आप लोग देखते होंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे रैंक करता है। सो द फर्स्ट थिंग विच इज वी यू नीड टू फिगर आउट कि आपका जो कोर्स है जो आपने सिलेक्ट किया है, वो कोर्स का करियर आउटकम्स क्या है एंड वेयर डू दे रैंक, उस बेसिस पे आपके जिंदगी में वो कितना वैल्यू एड करेगा। दैट इज हाउ यू कैन चूज द यूनिवर्सिटी। सो जरूरी नहीं है इट शुड बी द टॉप यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा था या चूज कर रहा था एंड आई वॉज चूजिंग द यूनिवर्सिटी, तब मेरे को लॉकबोरो यूनिवर्सिटी से भी आया था, विच इज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वो टॉप यूनिवर्सिटी थी, बट आई वेंट फॉर मैनचेस्टर मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी ड्यू टू माई एक्सपेक्टेशंस एंड माई पर्सनल आउटकम्स जो मेरे को चाहिए। तो इट डिपेंड्स, आपको आउटकम्स क्या चाहिए उस हिसाब से आप कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। सो अदर थिंग दैट मैटर्स इज आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम और UK एजुकेशन सिस्टम को एक बार स्टडी कर लो, बिकॉज इंडिया में आई डोंट नो, मेरे को तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था अबाउट असाइनमेंट एंड ऑल जो मैं कोर्स कर रहा था, बट जो MBA स्टूडेंट्स रहते हैं उनको आदत रहती है रेफरेंसेस और साइटेशंस की। तो यहाँ पे UK एजुकेशन सिस्टम में देयर इज अ थिंग जहाँ पर डिजर्टेशंस होते हैं, आई गेस मास्टर लेवल पे डिजर्टेशन सबको ही होते हैं, बट हम लोग को वी डोंट हैव अ हैंग ऑफ इट, वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग रेफरेंसेज एंड साइटेशंस। तो एक बार अगर आप वो प्रैक्टिस कर दोगे या यू विल फिगर इट आउट कि वो कैसे करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ग्रोसरीज मार्केट में खड़ा हो तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रोसरीज के बारे में, लिविंग कॉस्ट क्या है। तो देखो भैया, अगर आप खाना बनाना जानते हो, अगर आपको कुकिंग आती है, यू कैन प्रिपेयर योर ओन फूड, सो आपके लिए थोड़ा इजी होगा क्योंकि ये सब कुछ आपको बनाना है एंड ऑल दैट, बट हेक्टिक भी होगा उतना ही, बिकॉज आपके लेक्चर्स रहेंगे, पार्ट टाइम रहेगा, उसके बाद आपको खाना भी बनाना है, तो वो सब थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। सो अगर आपको खाना बनाना आता है तो इट वुड बी
हेक्टिक एक्चुअली लिविंग कॉस्ट जब भी कोई मेरे को पूछता है ना, इट इज़ ऑन योर कंजम्पशन कि आप कितना कंज्यूम करते हो, कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड करते हो अपने फूड एंड ऑल में. तो अभी जैसा मेरा है, तो मैं मेरा रफली एस्टिमेट बताता हूँ कि मेरा 200 पाउंड्स अ मंथ आराम से खर्चा हो जाता है और उसमें से बचता भी है. सो अगर मैं ब्रैकेट बोलूँ लिविंग कॉस्ट की इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन टर्म्स ऑफ फूड, तो ये सब मेरा अराउंड 100 to 120 पाउंड्स के बीच में भी होता है. एंड कभी कभी से 80 पाउंड्स भी खर्चा होता है, कभी कभी 80 पाउंड्स में भी मेरा महीना चल जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड फूड. तो अगर लिविंग कॉस्ट आपके कंजम्पशन पे होता है कि आप कितना कंज्यूम करते हो, सो अगर मेरे बात मानोगे, अगर इफ़ यू लिमिट योर कंजम्पशन, तो एनीवेयर अराउंड 100 to 150 पाउंड्स तक मिनिमम खर्चा होता है. तो अब हम बात करेंगे अबाउट अकोमोडेशन, मतलब रहना कहाँ है आपको. बेसिकली रोटी तो हो क्या, कपड़ा तो आप लेके आओगे, अभी मकान, रहना कहाँ है आपको. तो अकोमोडेशन के लिए आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ले सकते हो, प्राइवेट अकोमोडेशन ले सकते हो, पीजी रह सकते हो किसी के साथ अगर वो आपको रखना चाहते हैं. बट स्टूडेंट अकोमोडेशन के कॉस्ट थोड़े हायर रहते हैं. एंड अगर यूनिवर्सिटी से कैंपस अकोमोडेशन लोगे, आप कैंपस अकोमोडेशन भी रहते हैं, तो आप कैंपस अकोमोडेशन रहेंगे लोगे विच इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट उसमें खाना पीना सब इंक्लूड हो जाता है कुछ कुछ अकोमोडेशन में. बट आप नॉर्मल प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन लोगे, वहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा. तो एनीवेयर अगर मैं कॉस्ट पे जाऊँ सीधा, अकोमोडेशन का कॉस्ट आपको पड़ता है एनीवेयर, मैं साल का बोलता हूँ बिकॉज यहाँ पे 59 वीक्स 72 वीक्स ऐसा अग्रीमेंट रहता है. तो 139 पाउंड्स अ वीक जो मेरा अकोमोडेशन है, दैट इज 139 पाउंड्स अ वीक. उसमें अगर आपको कोई यूके बेस्ड गारंटर मिलता है, तो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए, यू कैन गेट इंस्टॉलमेंट, अपना पेमेंट टर्म्स के लिए आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाएगा अगर आपके पास कोई यूके बेस्ड गारंटर है, नो मैटर कौन से सिटी में है वो. तो बट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ यूके, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो चीज़, कि आपका पेमेंट प्लान या इंस्टॉलमेंट प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. तो ये तो हो गया अकोमोडेशन का. तो मेरा 139 पाउंड्स अ वीक है, आपको इससे कम में भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा में भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन योर केपेबिलिटी टू स्पेंड, योर फाइनेंशियल टर्म्स टू, क्या आप कितना खर्चा कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल केपेबिलिटी. तो इसमें अभी तो 99 पाउंड्स अ वीक का भी आता है, उसमें बहुत अजीब तरह का अकोमोडेशन रहेगा. तो डिपेंड्स ऑन कितना आप स्पेंड करना चाहते हो, कितना विलिंग हो स्पेंड करने के लिए, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा. कौन से साइट्स आप देख सकते हो, इट्स हाईली रिकमेंडेड. जो फर्स्ट साइट है हेलो स्टूडेंट, सेकंड एम्बर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, स्टूडेंट लिविंग और मैनचेस्टर स्टूडेंट होम्स फॉर पीपल इन मैनचेस्टर, एंड एम्बर स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे जो साइट्स है और स्पेयर रूम्स है, यू कैन ऑल्सो यूज देम एंड आपको अकोमोडेशन के लिए मिल जाएगा जो भी है, ये मेरा गारंटी है. एंड आज का लास्ट पॉइंट कि लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स क्या है. तो जो लेटेस्ट वीज़ा अपडेट्स है उसमें बहुत सारे बाइफोकेशंस आए अभी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वीज़ा डू यू वांट. अगर स्टूडेंट वीज़ा है उसका कुछ अलग है, डिपेंडेंट वीज़ा उसका कुछ अलग है, अगर आप शादी करके आ रहे हो उसका रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है. तो प्लीज़ वो gov.uk में जाके चेक कर लेना. इमिग्रेशन के टाइम पे जो पेपर वर्क एंड ऑल है वो सब मेंशनड है वहाँ पे. आपको IHS भरना पड़ेगा, विच इज इंटरनेशनल हेल्थ चार्जेस कुछ है, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे. वीज़ा फीस कुछ आपको पे करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फीस एंड ऑल, तो वो आप gov.uk पे कर देना, भर देना. एंड आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट UK आते रहेंगे. सो शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, टेक केयर.